चित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश है। अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे, बहुत सी बार हमें लगता है कि इससे ज्यादा एक व्यक्ति को और क्या चाहिए। इससे ज्यादा चाहिए तो एक जीवन साथी। कहते हैं कि जीवन साथी तो ऊपर वाला तय करता है, पर उसके बावजूद भी अगर शादी नहीं होती तो हम सभी बहुत परेशान रहते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं और वो व्यक्ति भी परेशान रहता है जिसको जीवन साथी नहीं मिल रहा। आखिरकार आपको कब मिलेगा जीवन साथी, इसी पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर तुरंत कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा, भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन, और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसीलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, शादी एक ऐसा विषय जो हर किसी की परेशानी है, मतलब कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन जिसकी नहीं होती वो तो परेशान ही रहता है कि आखिर शादी कब होगी। तो ये जो देरी होती है शादी में, इसकी क्या वजह है, कि ग्रह और नक्षत्र इससे क्या संबंध है इसका। बेटा वैसे तो शादीशुदा जिंदगी की देरी के बहुत सारे कारण है, लेकिन अभी नॉर्मल वाला डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्या है, मंगल जब भी कभी खराब अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के अंदर बैठा होता है और घर के अंदर एक के नहीं कईयों के बैठा हुआ, और ये होता किनके यहाँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये ज्यादातर उनके घरों में होता है जिनके यहाँ 3-4-5 भाई हों या 3-4-5 बहनें भी हों, उनके यहाँ पर ये मंगल खराबी के ऊपर बैठता है। और ऐसे में अगर उनके घर में कोई मकान ऐसा भी रहा है जो रोड के लेवल से नीचे चला गया है, फिर तो ये पक्का भी खराबी पे आता है। फिर तीसरी बात, ये मंगल खराबी पे हो और इतने भाई बहन भी हो और घर के पास में बिल्कुल नीम का पेड़ हो, तब तो ये बहुत खराब होने लगता है। और अगर नीम का पेड़ भी हो और घर पे तंदूर की रोटियां खाने का शौक भी हो और उसके कारण तंदूर भी रखा हुआ हो, फिर तो बेटा ये बहुत बहुत और बहुत ही खराब होता है। और इन सबके साथ में मिला के अगर कहीं घर साउथ फेसिंग भी हो, फिर तो बेटा इसके जहर का अंत नहीं रहता। ऐसी अवस्था के अंदर किसी भी बच्चे की शादी 32-33 साल की उम्र से पहले होती नहीं, और या अगर होती भी है तो वो चलती नहीं और या फिर तय ही नहीं होती। इस तरह के हालात अपने आप ही बनते हैं, ठीक है। और खासियत एक और होती है, जिनके घरों में बेटा जैसे गेट से एंटर किए करने के बाद वहां एक पैसेज आया और इधर से बिल्कुल पीछे तक वो बिल्कुल खुला हुआ है, और यानी कि इधर से हवा आई और पीछे से निकल गई। ऐसे घरों में भी लड़कियों की शादी हो लड़कों की शादी हो, बेटा उनके अंदर बहुत ही देरी बनती है, समझ गए।
इसीलिए घर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दोनों तरफ कमरे हैं, सेंटर में आपके एक पैसेज छुटा हुआ है और वो इधर से हवा आ रही है और दूसरी तरफ ऐसे ही निकल के जा रही है। ऐसे घर के अंदर बेटा शादीशुदा जिंदगियों से संबंधित दिक्कत आनी ही आनी है। एक तो ये, दूसरा उस घर के अंदर जो भी बुजुर्ग माँ होगी उसकी टेंशन के कारण एक नहीं 1000 होंगे, समझ गए, वो अपने बच्चों से ही दुखी रहे। ये भी चीज इसके अंदर साथ ही आती है, समझिए। और ये मंगल की खराबी, ये जो मैंने नीम का पेड़ कहा है, तंदूर कहा है, साउथ फेसिंग घर कहा है, इसके कारण तो आ ही रही है। कई लोगों को पेड़ पौधे घर पे उगाने का शौक होता है तो वो कहीं अगर अनार का पेड़ उगा ले तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि बीमारियों के कारण शादी रुकती है, समझिए। तो इसीलिए ऐसे घरों के अंदर, मैं अनार को बुरा नहीं बोल रहा लेकिन जिनके ग्रह खराब है बेटा उनको तो परहेज करना ही पड़ेगा, तो अनार का पेड़ पौधा घर के अंदर होना समझ लो मुसीबतों को एक्सट्रीम तक बढ़ा देता है, समझिए। एक तो ये हिस्सा हो गया बेटा। एक और हिस्सा है और वो हिस्सा है जिनके भी घरों के पास में बहुत बड़े बड़े नाले बह रहे हैं, समझिए, और उसकी बदबू पूरे एरिया में फैलती है उनके आसपास। उनके घरों में खास तौर पे शादी विवाह से संबंधित, कमाई से संबंधित, समझिए, दिक्कतें बहुत ही बड़ी बड़ी रहती हैं। और जो शादी विवाह होता भी है उसके अंदर या तो परिवार से बच्चा अलग होता है और या आपस में ही क्लैशेस बहुत ज्यादा पड़े हुए होते हैं। ये सारे हालात भी इसके अंदर ये आते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले जिनका मंगल खराब है, यानी कि वो 3-4 भाई बहन हैं, यानी 3-4 भाई हैं या 3-4 बहनें हैं और वहां पर अगर शादियां देरी से हो रही हैं तो इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? सारे भाई बहनों के हाथों में 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, 1-1 ग्राम मिला के बेटा उसका छल्ला बनवा के उनकी रिंग फिंगर पे बनाओ। दूसरा बेटा, अगर घर साउथ फेसिंग है, यानी कि जब घर से बाहर निकलते सामने अगर दक्षिण है, तो घर की जो मेन एंट्री है वहां पर लोहे की वो जो टोपी वाली कील होती है जो इतनी बड़ी बड़ी होती है, हाथ इतनी लंबी और ऊपर बहुत मोटी सी टोपी होती है बेटा, 1-1 फुट के गैप के ऊपर वो दहलीज के ऊपर लगा, यानी कि घर की मेन एंट्री के ऊपर 3 कीले लगाने, ये दूसरा उपाय। घर में अगर तंदूर है तो उसे निकाल दो। अब नीम के पेड़ का क्या करें? ठीक है, अगर नीम का पेड़ पास में है तो एक उपाय करना बेहद जरूरी हो जाएगा और वो है हर मंगलवार बेटा गुड़ की रोटी 8 बनानी है और वो तंदूर में लगवानी है या कच्चे तवे पे एक तरफ सिकी हुई अपने ही घर में बना लेनी है और उसके बाद वो पक्षियों को जरूर डालो, कुत्तों को जरूर डालो, ठीक है। और जितने घर के लोग हैं चांदी जरूर धारण करके बेटा, अगर ये उपाय करते हो तो परमात्मा की दया से ये बुरा योग हटेगा और जल्दी से जल्दी शादी के हालात बनेंगे। लेकिन अब एक चीज और हो गई, वो लोग जिनके घर इस तरह के है कि दोनों तरफ कमरे हैं और सेंटर के अंदर पैसे जा रहा है और इधर से हवा आती है दूसरी तरफ क्रॉस हो जाती है, ये जो खराबी के हालात होते हैं ये चंद्र शुक्र की खराबी के हालात होते हैं। और चंद्र और शुक्र जब खराब अवस्था के अंदर होता है उसे बोलते हैं नीच केतु। और जब नीच केतु होता है तो ये भी गृहस्थी के मामले में खराबी के हालात पैदा करता है और खासतौर पर वहां पर जो घर की बुजुर्ग औरतें होती हैं उनको दिल की तकलीफें, घर में क्लेश की तकलीफें, आंखों की, कमर, पांव की, सेहत की भी कोई ना कोई तकलीफें लगातार रहती है। और खास तौर पे ऐसे घर के अंदर जो बुजुर्ग औरत है अगर उसके मुंह से बदबू हर वक्त आती हो, समझिए, फिर तो ये बहुत ही खराब हो चुका हुआ होता ये योग है, ठीक है। और ऐसे घरों के अंदर जो पोतों के सुख होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे घर के अंदर बेटा सबसे पहले करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो बेटा एक तरफ का रास्ता इस तरह का बंद करो कि हवा आर से पार ना जाए, ये काम करना बहुत जरूरी है। और दूसरा यहां पर इलाज करना कि हर हफ्ते काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के किसी भी धर्मस्थान में देते जाओ। और तीसरा, इस घर के बच्चों का खास तौर पे कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना जरूर धारण करो, ठीक है। और वो जो माँ है एक तरह का टैक्स बना ले कि हर रोज उसने 3 केले दान तो जरूर देने, चाहे मंदिर में चाहे गरीब को, वो जरूर दे, ठीक है। और इसके बारे में
ये जो मिट्टी के लोटे वाला मैंने उपाय बताया कि मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाए और घर के अंदर जितनी लड़की या औरतें हैं चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का मीना लगा के बेटा उनकी बाजू के अंदर तो ये उपाय करके देखिए। परमात्मा की दया से जल्दी सारी खुशखबरियां इकट्ठी होंगी और दुख दूर जाएंगे। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर हमारे साथ इस वक्त एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दशरथ जी हैं, सिरसा से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ। दशरथ जी, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए पहले। नमस्कार गुरु जी, मेरा जन्म 29/6/1996 दोपहर 2:15 सिरसा हरियाणा में हुआ है। जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप, क्या परेशानी है आपकी? मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं नौकरी मुझे मिलेगी, कब तक मिलेगी और आगे मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है। बेटा नौकरी के योग भी तुम्हारी कुंडली के अंदर अच्छे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग है। वो क्या है कि एक तो है मंगल बध जिसकी अभी बात करते हटे हम, और ये शुक्र और बुध के साथ में अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ ये काफी तकलीफ पे आ गया। और ऐसे में जब भी कोई घर में मंगल कार्य होता है उसके बाद तकलीफें या बुरी खबर जरूर आती है और मैरिड लाइफ के सुखों में भी दिक्कत होती है। और दूसरा एक और योग, शनि देव 6 स्थान पे, राहु देव 12 स्थान पर, जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी घर में, उसके बाद कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग भी पैदा होंगे। जब भी कोई लोहा बड़ा घर में आएगा या चमड़ा खरीद के लाओगे या किसी भी तरह का कोई व्हीकल वगैरह खरीद के लाओगे तब तब नुकसान के हालात खड़े। अब ये योग तो है ही, अब यही योग एक और चीज को फिक्स करता है कि अगर घर के अंदर दो रंग का जानवर यानी कि गाय हो, कुत्ता हो, भैंस हो या कुछ भी, अगर दो रंग का जानवर घर में आया तो जिंदगी कभी भी स्थिर नहीं रहती और खराबी के हालात जरूर बनते हैं। और चौथा बेटा, अगर ऐसी अवस्था के अंदर 28 साल की उम्र से पहले शादी कर ली जाए तो कामकाज और गृहस्थी दोनों ही खराब रहती है। तो शादी के लिए तुम्हें पता चल गया कि 28 साल की उम्र में करनी है, पहले नहीं करनी। तीसरा इनके मैं उपाय बताने जा रहा हूं और इन उपायों के बाद में फिर बृहस्पति और सूर्य तुम्हारे इतने अच्छे बैठे हुए हैं कि तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे और नौकरी करना चाहो तो उसमें भी बहुत अच्छे प्रबल योग है तुम्हारे और बहुत अच्छी नौकरी के भी योग है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा 2 किलो चावल में चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के सफेद सूती कपड़े में लपेट के घर के अंदर रखो उसे, और उन चावलों को कभी खाना नहीं, कभी फेंकना नहीं, कीड़ा लग जाए तो कीड़ा भगा के उनको धूप में सुखा के दोबारा रखो, ठीक है। दूसरा शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके और ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दो, और शनिवार दोपहर को उसके साथ 3-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी में यानी कि जोड़ में, तालाब में, झील में, कहीं पर भी उसको जाके छोड़। फिर उसके बाद हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो और 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी ये मिलवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर डालो। तुम्हारे घर की छत के ऊपर, चाहे जिस घर में तुम रहते हो वो या तुम्हारा दादालाई घर कोई भी हो, अगर उसकी छत के ऊपर बेटा लकड़ी, ईंधन वगैरह पड़ा होगा या किसी तरह का कबाड़ रखा हुआ होगा तो तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, उल्टा तुम्हारी जिद के कारण नुकसान बड़े बड़े खड़े होंगे। इसलिए घर की छत पे किसी भी तरह का कबाड़ नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना, और साल में एक बार वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना भूलना मत। इन उपायों को करके देखो तब भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा है। इन उपायों के बिना बेटा जो चीजें मैंने बताई हैं इनमें से आधी तकलीफें तो अभी तुम्हारी जिंदगी के अंदर चल रही होगी, तो इन उपायों को करो, दाता सब सुख देगा, खुश रहो। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है, नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा, परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा, धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, अभी तब से हम बात कर रहे हैं शादी के बाद, उम्र आप मान लीजिए लड़की के लिए 23-24 साल वो होती ही है। 23-24 साल से लड़की पे प्रेशर आता है कि आप शादी कर लो, और 26 के बाद लड़को। अगर इस वक्त नहीं हो रही है शादी, तो क्या उपाय कर सकते हैं माँ बाप अपने बच्चों की शादी? तुम्हारे कहने का मतलब माँ बाप बहुत सारे रिश्ते ढूंढी जा रहे हैं और वो नहीं मिल पा रहा है, या बच्चा मना कर रहा है, या किसी न किसी और तरह की अड़चने आ रही है। अक्सर हम देखते हैं ये बहुत होता है। ऐसी अवस्था में बेटा चंद्र और मंगल का दुरुस्त कर लेना शादीशुदा जिंदगी के द्वार तक पहुंचा देता है। और इसके अंदर खास ख्याल क्या रखना होता है? खास ख्याल यही रखना है कि अगर घर के अंदर पहले किसी की शादी खराब हो चुकी हो, समझे, तो उपाय मैं अलग बताऊंगा। अगर अपनी रिश्तेदारी यानी कि बिल्कुल निजी खून के रिश्तेदार, अगर इनमें शादी खराब ना हुई हो और सिर्फ शादी में रुकावट आ रही हो, रिश्ते पे रिश्ते देख रहे हो लेकिन बात नहीं बन रही, तो एक उपाय, और वो क्या है, चार छुआरे ये लेकर के चार गिलास पानी के अंदर उबाल के इनको बाद में उतार के ठंडा कर लें, और बाद में ये पानी और छुआरे लेके 43 दिन लगातार इनको इसी तरह से जल प्रवाह करते रहे। एक तो ये उपाय बेटा, ये तब है अगर शादी पहले खराब ना हुई हो। और अगर किसी के खानदान में शादी खराब हो चुकी हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये 43 दिन छुआरे वाला उपाय तो करना ही है। इसके साथ में बेटा 100 गायों को एक ही दिन इकट्ठा चारा खिलाना, ये काम करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही हर शुक्रवार को गुड़ के आटे का पेड़ा लेकर के, आटे का पेड़ा उसमें गुड़ लगा करके वो काले रंग की गाय को जरूर खिलाना। तो बेटा ये करके देखो, परमात्मा की दया से शादी के अंदर जितने जो भी विघ्न बाधा आ रही है बिल्कुल टलेगी और दाता सुखेगा। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी तो हो जाती है पर तलाक हो जाता है, और एक बार नहीं, जितनी बार वो शादी करते हैं उतनी बार तलाक हो जाता है। बिल्कुल। और वो लोग सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका ग्रहों से क्या संबंध है? ये बेटा शुक्र और शनि राहु की एक्सट्रीम पोजीशन होती है मैरिड लाइफ की। इसके अंदर क्या होता है कि शनि और राहु का मेल अपने लग्न के साथ और शादीशुदा जिंदगी के घर के साथ टकराव पे बैठा हुआ है, और जिसके अंदर हमने तो यहां तक भी देखा कि अगर किसी की चार बार शादी हुई तो चार बार भी शादी टूटी, और उसके बाद वो लिविंग में अगर किसी के साथ रहे तो उसके साथ में भी जमी वहां पर भी छूटता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक आजीव यानी कि कोई बच्चा भी साथ में हो जाता है, और ना वो सुखी रह पाते ना ये सुखी रह पाते, जिंदगी हमेशा सारी जिंदगी अस्थिर बन के रहती है। और जब ये योग हो उस वक्त में अगर कहीं फेफड़े से संबंधित किसी भी तरह या स्वेलिंग से संबंधित या श्वास लेने से संबंधित किसी तरह की अपने आप को दिक्कत हो, तो ये तो पूरी जिंदगी को एक तरह का नरक बना के रख देता है, क्योंकि ये शनि राहु का मेल हो, वो बृहस्पति भी खराब कर चुका हो, सातवां घर भी खराब कर चुका हो, तो बेटा इससे ज्यादा गंदी तो लाइफ ही नहीं होती, समझे। इसमें सिर्फ फिर अपने साथ ही बुरा नहीं होता, अगर अपना कोई बच्चा हो गया तो उसके साथ भी उसका जीवन भी बहुत ज्यादा खराबी के ऊपर जाता है। इसका उपाय करके चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा एक योग है बेटा। चलो आगे पीछे शादी हो या ना हो, कम से कम बाकी के हालातों में अपना जीवन तो अच्छा करता है। इसके अंदर ना लोग अपने, ना अपने अपने, ना अपना शरीर और ना आगे औलाद का सुख, तो बेटा ये तो दुखों का बवंडर लेकर के आता है। इन लोगों को खास तौर पे बेटा उपाय करके चलना, और वो क्या है, इसके अंदर मैं एक दिन का उपाय नहीं दूंगा बेटा, ये लगभग 2-4-5 साल तक लगातार करते रहो तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और वो उपाय है कि 43 दिन लगातार लोहे के कटोरे के अंदर जौ भर के, जौ ठीक है, वो भर के 43 दिन लगातार पहले जल प्रवाह कर, या शनि मंदिर में दे दो, और उसके बाद ये लोहे के कटोरे के अंदर जौ भर के हर शनिवार को मंदिर के अंदर देना ही देना, ये लगातार सालों साल करना बेटा। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाना ही लगाना, गले में या तो सोने की चेन हो या पीले रंग का धागा जरूर धारण करना है, ठीक है। और
हर बृहस्पतिवार को यानी कि बुधवार की रात्रि को चने की दाल पानी में भिगो दो और सुबह उठ के उसको पीस के उसकी पीठी बना के बेटा उसका चने की दाल का देसी घी में हलवा बना लो और वो बना करके तुमने हर बृहस्पतिवार को बांटना ही बांटना है। और कभी भी तिकोने मकान में नहीं रहना, इस चीज का खास ख्याल रखना है। उस घर में नहीं रहना जिसके पीछे नाला बहता हो या आगे नाला बहता हो बड़ा, इस घरों से खास तौर पे बच के चलना। तीसरा, उस घर के अंदर नहीं रहना जहां पर कहीं पर भी वो जो ये शराब या मांस की दुकानें बहुत ज्यादा हो, समझे, या गंदगी के ढेर लगे हुए हों, क्योंकि ये सारे का सारा राहु के स्थान है बेटा। अगर राहु के स्थानों के ऊपर या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहना, समझे, और इन लोगों को जबरदस्ती मिलते ही यही घर है, समझे। फिर उसके बाद में 4 नंबर मकान, 8 नंबर मकान, समझे, और 3 नंबर का मकान, इन तीनों नंबरों को नोट करके रख लो कि घर का टोटल इन तीनों में से किसी 4, 8 या 3 का बिल्कुल ना हो, इन घरों के अंदर बिल्कुल नहीं रहना, समझे। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी काम करो लेकिन कभी भी ये लॉटरी सिस्टम निकालने वाला या कमेटियां डालने वाला या इस तरह के जो काम होते हैं इन कामों के अंदर बिल्कुल नहीं जाना वरना कर्जा सर चढ़ के बोलेगा, समझे। तो बेटा इन चीजों से अगर दूरी बना के रखते हो तो तब ये जो बार बार तलाक होने के योग है ये खत्म होंगे और जिंदगी के अंदर सुख आएगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शादी के बारे में कि क्यों नहीं हो रही आपकी शादी और आखिरकार क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए और आपकी भी जल्द से जल्द शादी हो। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृह जीवन में भी कोई न कोई कलह हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वादों विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि शादी करने के बाद तो सब ठीक होता है पर माँ बाप बनने के बाद एकदम से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बेटा ये जो योग होता है इसके अंदर ना बुध की बहुत बड़ी भूमिका है और ये भूमिका क्या है, बुध और केतु ना दुश्मन है बेटा, क्या आपस में, जब भी सूर्य बुध और शुक्र चाहे एक ही घर में बैठे हो चाहे दृष्टि से एक दूसरे के साथ कोई साझा योग बना रहे हो तो ये करते क्या है, लाल किताब क्या बोलती है कि ये योग अगर औरत की कुंडली में हो तो पुत्र के जन्म पर और ये योग अगर मर्द की कुंडली के अंदर हो तो पुत्री के जन्म पे, स्त्री सुख नष्ट हो जाता है। आदमी के लिए औरत स्त्री है और स्त्री के लिए आदमी है स्त्री है क्योंकि जीवन साथी, तो ये योग नष्ट हो जाता है, कहने का मतलब आपस के सुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके अंदर एक और शब्द कहते कारण होगा बदजुबानी, गलत बोलना और चाल चलन का खराब होना, किसी भी तरह से कुछ भी इसमें घटित हो सकता है। ऐसे में हमारे पास ये आए दिन जोड़े ये भी आते हैं, सिंगल भी आते हैं और ये योग का इलाज सबसे ज्यादा आसान है और यही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ होके आते हैं।
ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनके यहाँ मान लो पुत्र के जन्म के बाद या पुत्री के जन्म के बाद, ठीक है आपको कुंडली देखनी नहीं आती तो, लेकिन ये तो देखा ही जा सकता है कि उसके बाद में हमारे मियां बीबी के हालात खराब हुए, ऐसे लोगों को आग बंद करके ये जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूँ ये कर देनी चाहिए। और वो उपाय क्या है, सबसे पहले अपने घर से सूत ऊन और निवार के गोरे जितने भी लिपटे पड़े हुए हों उनको खोल के फेंको। दूसरा, ऐसे घर का जो मर्द भी है बेटा उसको भी अपना कान छेदन करवा के सोना पहनना चाहिए, और औरत को कभी भी आर्टिफिशियल अपने कान में नहीं डालना चाहिए, उसको सोना ही डाल के रखना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, एक तांबे की गागर लेकर के उसके अंदर मूंग साबुत भरवा के तांबे का ढक्कन रख के उसको पीतल का टांका लगवा दो, और कन्यादान के मंत्र को अपने पड़ोस के पंडित जी से बुलवा के बेटा उसको जाके जल करवा दो। ये काम करना बहुत जरूरी है, और अगर हो सके तो अपने घर में कुत्ता पाल, और कुत्ते की सेवा जिस कदर होती रहेगी मियां बीबी उसी कदर आपस में जुड़ाव यह होता रहेगा। ऐसे घर में जो औरत हो उसको गुड़ खाना टोटली बंद कर देना चाहिए, और कभी भी भूल के मियां बीबी दिन के समय में एक ना हो, अगर ये भी चीज होगी तो दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य ज्यादा खराबी के ऊपर भी चला जाएगा। और इसके साथ ही बेटा जितना ज्यादा संभव हो सके आप कन्या पूजन करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, और गेंदे के फूलों की माला अगर हफ्ते की हफ्ते आप किसी देवी माँ को अर्पित कर सको तो बेटा इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं होगा। इन उपायों को करके देखिए, ये भी दुख जिंदगी से जरूर दूर चला जाएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ अमित सिंगल जुड़ गए हैं अलवर से। अमित जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए इसी क्रमांक से। एक्चुअल में क्या है कि जन्म का जो समय है वो मेरे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको जन्म तिथि और स्थान बता सकता हूँ जी। टेंटेटिव थोड़ा आपको पता है समय, या समय आपको पता है? हाँ, मॉर्निंग लगभग यही है 5:40 के आसपास का। जी, प्लीज बताइए दिनांक समय स्थान बता दीजिए। 13 अगस्त 1976 और मेरा डेट बर्थ ऑफ प्लेस है वो अलवर है। जी, आप टाइम बता रहे थे ना टेंटेटिव। हाँ, वो बताया था मैंने आपको, मॉर्निंग सुबह 3:40 वो 5:40 सुबह का। ठीक जी, और क्या पूछना चाहते हैं आप अमित जी? मैं यही चाह रहा था कि समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, बहुत ज्यादा विपरीत चल रहा है, तो मतलब काम धंधा बिल्कुल नहीं है, मतलब उसी मतलब घर के जो वातावरण है वो भी मतलब नेगेटिव ही आ रहा है, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा उसका। जो आपने समय बताया है और जो आपने हालात बताए हैं बेटा उसके अनुसार वाकई में यही तुम्हारा समय है, लेकिन ये समय जो चल रहा है वो चंद्रमा का चल रहा है। अगर तुमने दूध पानी का दान किया तो तब भी तुम्हारा काम खराब। अगर तुम्हारा घर ऐसा हुआ जिसके ऊपर छत की तरफ से कोई रोशनी आती हुई हो तो भी तुम्हारा काम खराब। और इसके अंदर बेटा अगर तुमने बहुत ज्यादा पूजा पाठ इन दिनों में बढ़ा दी और तरह तरह के बाबा या गुरुओं की तस्वीरें लाकर के अपने घर के अंदर रख दी और खूब सारे रुद्राक्ष वगैरह और ये तावीज या बबूती वगैरह वो भी तुम लेकर के आए तो इस समय में तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र जब खराबी के ऊपर आते हैं तो इन चीजों से बड़ा परहेज करना पड़ता है, समझे। अब इसको ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए सबसे पहले अपने घर के अंदर कुत्ता पालो, समझे। और दूसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा एक लेकर के उसे जल प्रवाह कर दो। अगर जल प्रवाह का साधन नहीं है तो किसी भी चौराहे के ऊपर रोज तांबे का पैसा एक गिरा, ये चीज। और तीसरा बेटा, 8 दिन लगातार खीर बना करके पहले मंदिर में दो, और उसके बाद में हर अमावस को यानी कि 14 को बना लेनी है यानी, और उसे बाहर बेशक रख दो ढक के जाली के साथ में, जो रोशनी भी चंद्रमा की पड़े बेटा वो खीर निकाल के जाके हर अमावस को खास तौर पे वो मंदिर के अंदर देख करके, और हमेशा ऐसे घर में रहना जिसके अंदर की सूरज की रोशनी छत की तरफ से बिल्कुल ना आए, और शनि के दान भूल के नहीं करने। उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये भूल के भी दान नहीं देना। इसके विपरीत थोड़े से साबुत बादाम लेके उनके ऊपर हल्दी लगा के काले कपड़े में लपेट के लोहे के डिब्बे में बंद करके जो तुम्हारे घर के अंदर अंधेरा कमरा हो बेटा उसके अंदर उन बादामों को रख दो, फिर देखना
कि कामकाज कितना अच्छा चलता है। ठीक है, इसके बाद कोई कमी नहीं रहेगी, दाता सब सुख देगा, खुश रहो। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल ना रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है, परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी पति पत्नी अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं, पति का कभी कभी ट्रांसफर हो जाता है, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये होता क्यों है? जन्म कुंडली के अंदर अगर तीसरा घर बहुत ही एक्टिव हो जाए, वहाँ दो तीन चार ग्रह बैठे हो या एक ही ग्रह बैठा हुआ हो लेकिन वो लगा जन्म कुंडली के कई घरों को हो, ये एक टेक्निकल बात है जो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये सिचुएशन जब होती है बेटा तो उस वक्त में जब इंसान की शादी भी होती है, अगर एक ही कुंडली में हो तो बीच बीच में जल्दी जल्दी मिलान होता रहता है, यानी महीने में एक बार दो बार मिलते हैं। लेकिन अगर कहीं दोनों की कुंडली में हो तो बेटा छह छह महीने और साल साल भर ही मियां बीवी मिल नहीं पाते, ये वाकई में बहुत ही खराब योग है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा आपको अपनी जन्म कुंडली रख के देखनी है कि जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर कौन सा ग्रह है। मान लो अगर राहु हो तो आप जौ लगा लीजिए, ठीक है, अगर सूर्य हो तो आप गुड़ गेहूं लगा लीजिए, अगर वहां मंगल बैठा हुआ हो तो लाल मसूर, शहद, ये सौंफ, ये चीज आप लगा सकते हैं, अगर बृहस्पति हो तो चने की दाल, ठीक है, और अगर शुक्र हो तो वहां लाल ज्वार, सफेद ज्वार, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो सफेद मोगरे चमेली के फूल ही ले सकते हो, ठीक है, और अगर शनि हो तो उड़द साबुत सरसों का तेल, ये चीज होती है, और अगर केतु हो तो काले सफेद तिल होते हैं। बेटा जो ग्रह तीसरे घर के अंदर बैठा हो उसकी वस्तुएं मंदिर में देनी शुरू कर या लोगों को दान में देनी शुरू कर, समझ गए। और ऐसे में ये मियां बीबी अगर रोज मंदिर जाकर के सर झुका करके अपने कामों पर निकलते हैं और जब भी इकट्ठे हों, अगर बहते पानी के किनारे ये इकट्ठे हों और साथ ही जब भी इकट्ठे हों उस वक्त में थोड़े से तांबे के सिक्के ये लेकर के या दूध चावल लेकर के उस बहते पानी को एक तरह के अर्घ के रूप में समर्पित करें, बहते पानी के अंदर डालें, तो बेटा बहुत जल्दी ये बुरा योग खत्म हो जाएगा और मियां बीबी एक स्थान पे अपने आप चल के आएंगे और गृहस्थी अपने आप बढ़ने लगेगी। गुरुदेव, बात शादी की हो रही है तो आज शादी से जुड़ा खास गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों के लिए क्या देंगे? बेटा शादी ना होना एक अलग चीज है, शादी होकर के खराब होना ये एक अलग चीज है, इन दोनों के रास्ते तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाली से चले इसका मंत्र जरूर दूंगा। शादीशुदा बेटा जिंदगी को चलाने के लिए मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है चंद्र, मंगल, बृहस्पति और केतु, ये जिनके अच्छे हैं बेटा वो बहुत ही अच्छे चलती है गृहस्थी के लोग, ठीक है। मियां बीबी के निजी सुखों के लिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पापी ग्रहों को दुरुस्त करते हैं, शनि को, शुक्र को और केतु को, ठीक है। इसके लिए वैसे मैं बहुत देर पहले से ये उपाय बताता आ रहा हूं कि घर की पहली रोटी जो बने वो आधी गाय को
आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को, इससे सारे पापी ग्रह काबू में आ जाते हैं और गृहस्थी के लिए अच्छा आधार बनते हैं। फिर उसके बाद में मंगल, आपने देखा होगा घर में कई तीज त्योहार ऐसे आते हैं जिनके अंदर गुड़ के गोगले या गुड़ के चावल या गुड़ की मठिया वगैरह बनाकर के जरूर बांटी जाती है। बेटा अगर ये देर देर बाद भी आपके यहाँ ये तीज त्योहार आ रहा है तो बेटा इसको जल्दी जल्दी कर दिया करो, समझे। गुड़ की बने हुए गोगले हो, मठिये हो या कुछ भी इस तरह की चीज या चावल ही हो, ये बांटने से हमेशा चंद्र और मंगल बहुत ही दुरुस्त रहते हैं। दूसरा, जिन घरों से हफ्ते में कई बार प्रसाद बनके या प्रसाद इकट्ठा करके मंदिर तक पहुंचाया जाता है, उनके घरों के अंदर ना सुख शांति कभी खराब होती है और ना ही समृद्धि कभी खराब होती है। तो इसलिए चाहे मिश्री हो, चाहे पतासे हो, चाहे लड्डू हो, चाहे हलवा हो, चाहे खीर हो, किसी न किसी रूप में बेटा ये मंदिर के अंदर जाती ही रहनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, और वो एक ही, कि जिस घर के अंदर औरत पांव में पाजेब और उंगलियों में चांदी के बिछुए डाल के रखती है, उस घर के अंदर सुख भी रहता है, समृद्धि भी रहती है, बाल बच्चों की बरकत भी रहती है, समझे। और कभी भी शादीशुदा जिंदगी खराब होने तक नहीं पहुंचती। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही, इन चीजों को अपनाओ और सदा बहुत ही अच्छी और खुशहाली भरी गृहस्थी पाओ। चलिए गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया हमेशा की तरह, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। हम तो बस यही आशा करते हैं कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो और आपकी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां लौटे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।